हेलो एवरीवन आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ इंडोलोग आज के इस वीडियो में हम टॉप 50 क्वेश्चंस रिलेटेड टू एंशियंट हिस्ट्री डिस्कस करने वाले हैं जो आपके आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेंगे तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं आप इस वीडियो को एज अ रेफरेंस फॉर द पर्पज़ ऑफ रिविजन यूज़ कर सकते हैं फॉर योर एग्जामिनेशन सो लेट स्टार्ट दिस हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच रिवर बैंक द वैदिक सिविलाइजेशन फ्लरिश तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी सरस्वती तो सरस्वती नदी के किनारे जो वैदिक सभ्यता थी यानी वैदिक सिविलाइजेशन थी वो विकसित हुई यानी कि उसने फ्लरिश किया सो वैदिक सिविलाइजेशन फ्लरिश अलोंग द रिवर सरस्वती द वैदिक पीरियड इज़ एस्टिमेटेड टू बी अराउंड फिफ्टीन हंड्रेड बी सी टू फाइव हंड्रेड बी सी तो 1500 BC से 500 BC का जो पीरियड है इसे वैदिक पीरियड की तरह कंसिडर किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन अलेग्जेंडर एंड द आर्मी ऑफ पोरस जिनका रियल नेम पुरु था कैम्प ऑन द अपोजिट बैंक्स ऑफ दिस रिवर तो हमें बताना है कौन से रिवर के बैंक में जो एलेक्सेंडर और पुरु की जो आर्मी थी इनके बीच में बैटल हुआ था राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी झेलम तो झेलम रिवर के बैंक में जो अलेग्जेंडर जिनको सिकंदर के नाम से जाना जाता है इन हिंदी वी कॉल हिम एज सिकंदर एंड पोरस जिनको पुरु के नाम से जाना जाता है इन दोनों के बीच में बैटल हुआ था सो द बैटल ऑफ हाइडेस्पिस वॉज वॉट बिटवीन अलेक्जेंडर एंड एलेक्जेंडर द ग्रेट एंड पोरस इन में थ्री हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स बी सी तो जो हाइडेस्पिस है इस रिवर को ही रि पंजाब एज अ पार्ट ऑफ अलेक्सेंडर इंडियन कैंपेन नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच स्टेट ऑफ इंडिया न्योलिथिक साइट नेम्ड दाओजली हार्डिंग इज सिचुएटेड राइट right आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन ए यानी असम तो असम में दाउजली हैडिंग ये एक न्यूलिथिक साइट है इंडिया में प्रेजेंट ये लोकेटेड है काफ़ी बार ये क्वेश्चन एग्जाम्स में रिपीट हुआ है सो so, दाउजली हैडिंग इज uh, एन इम्पोर्टेंट न्यूलैथिक साइट इन असम एक्सकेवेटेड इन नाइनटीन टू सिक्सटी के बीच में इसको एक्सकेवेट किया था बाय अ टीम लेड बाय एम गोस्वामी एंड टी शर्मा तो इनके द्वारा टीम को लीड किया गया था एम सी गोस्वामी एंड टी सी शर्मा इट इज़ द फर्स्ट स्ट्रेटिफाइड न्योलिथिक साइट डिस्कवर्ड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये फर्स्ट ऐसी स्ट्रेटिफाइड न्यूलिथिक साइट थी जो पाई गई थी यू हैव टू रिमेंबर दिस आपने याद रखना है दाऊजली हैंडिक इट इज लोकेटेड इन असम एंड इट इज एंड इट इज अ न्योलिथिक साइट नेक्स्ट क्वेश्चन वेन डिड द बैटल ऑफ कलिंगा टेक प्लेस राइट right आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए यानी 261 बीसी में कलिंगा का जो बैटल था वो लड़ा गया था सो द बैटल ऑफ कलिंगा टुक प्लेस इन 261 बीसी और ये किस किस के बीच लड़ा गया था सो इट वॉज स्पॉट बिटवीन एम्पर अशोका एंड किंग अनंत पद ऑफ कलिंगा तो अशोका एंड किंग अनंत पदमान भन के बीच में लड़ा गया था जिसमें अशोका इन्होंने डिफीट किया था किंग अनंत पदमान भन ऑफ कलिंगा 261 बीसी ये डेट आपने याद रखनी है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज गौतम बुद्धा बिलोंग्स टू क्लैन राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी साके क्लैन को बिलोंग करते थे गौतम बुद्धा और इन्हें द लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है सो ही वॉज कॉल्ड एज सिद्धार्थ गौतम इन हज चाइल्डहुड तो इनका चाइल्डहुड का नाम भी काफ़ी बार पूछा जाता है दैट वॉज सिद्धार्थ हिज फादर वॉज शुद्धोधन द लीडर ऑफ द साके क्लैन इन वॉट वॉज द ग्रोइंग स्टेट ऑफ कौशल एंड हिज मदर्स नेम वॉज क्वीन माया तो फादर का नाम शुद्धोधन था और मदर का नाम माया था एंड क्लैन का नाम साकी क्लैन था नेक्स्ट क्वेश्चन अमंग द फॉलोइंग विच इज कॉल्ड एज द क्रेडिल ऑफ ह्यूमन काइंड राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अफ्रीका कॉन्टिनेंट को क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड के नाम से जाना जाता है और कभी आपसे पूछा जाए क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन तो क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन ग्रीस को कहा जाता है यू हैव टू रिमेंबर दिस एज वेल तो अफ्रीका इज कॉल्ड एज द क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड बिकॉज ह्यूमन लाइफ ओरिजिनेटेड देयर ऐसा माना जाता है कि अफ्रीका में ह्यूमन लाइफ ओरिजिनेट हुई इसलिए इसे क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड कहा जाता है द नेम अप्लाइज मोर स्पेसिफिकली टू अ रीजन इन साउथ अफ्रीका वेर फॉसिल

राइट right आंसर होगा ऑप्शन डी सांग तो देखिए हर्षवर्धन जब इंडिया में रूल कर रहे थे तो इस टाइम पर ह्यून सांग जो एक चाइनीज ट्रेवलर थे इन्होंने इंडिया को विजिट किया था आप ऐसे याद कर सकते हैं हर्षवर्धन स्टार्ट्स विद एच और ह्यून आल्सो स्टार्ट्स विद एच तो हर्षवर्धन के टाइम पर आए थे सांग सो so, ह्यून सांग ऑल्सो नोन एज यंग वॉज बुद्धिस्ट मॉन्क एंड ट्रेवलर हु विजिटेड इंडिया इन द सेवन सेंचुरी ड्यूरिंग द रीन ऑफ किंग हर्षवर्धन और हर्षवन भी ने कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वाज़ द नेम ऑफ कलह बुक राइट right आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी यानी राज तरंगिनी तो राज तरंगिनी इसके ऑथर कौन है कलहण सो कल्हण वाज अ ग्रेट पोएट हु कम्पोज अ लॉन्ग संस्कृत पोयम कंटेनिंग द हिस्ट्री ऑफ किंग्स हु रूल ओवर कश्मीर तो इस बुक में कलहण ने राज तरंगिनी बुक में कश्मीर के किंग्स के बारे में डिस्क्राइब किया है इसके अलावा अगर हम बात करें अर्थशास्त्र की तो इसके ऑथर है चाणक्य और अगर हम बात करें इंडिका की तो इसके ऑथर है मेगस्तनी इंपॉर्टेंट हैं और अगर हम बात करें पुरान्स की तो पुरान्स को काफ़ी ज़्यादा फेमस मॉन्ग्स या सेजेस ने लिखा है हम ऐसा कह सकते हैं सो so, एंड पुरान्स हैव वेरियस टाइटर सो वी कैन अराइव एट द आंसर बाय एलिमिनेशन ऑल्सो तो हम इस पुरान ऑप्शन को ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं अर्थशास्त्र वॉज रिटन बाय चाणक्य एंड इंडिका वॉज रिटन बाईस्तन मेगस्तनीस तो कल्हन की बुक जो थी वो है राज तरंगिनी और जो राजरंगिनी बुक है इसे किसने लिखा है कलहन ने so next question dekh lete hai. which among the following is the oldest empire right answer hoga option b yaniki modern empire the modern empire is considered to be the oldest empire of indian history in indian history so the modern empire was the first pan-india um, indian empire it covered most of the indian region and was founded around 321 bce next question when did the war of sindh take place राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 712 एडी में बैटल ऑफ सिंध लड़ा गया था सो द बैटल ऑफ़ सिंध टुक प्लेस इन 712 बीसी एंड ये किस किस के बीच लड़ा गया था सो इट वाज फॉट बिटवीन राजा दाहिर एंड मोहम्मद कासिम नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच वेद द बैटल ऑफ टेन किंग्स और द सार्जन युद्ध वॉज वॉट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ऋग्वेद तो ऋग्वेद में द सार्जन युद्ध यानी दस किंग टेन किंग्स के बीच में लड़ा गया वॉर इसके बारे में मैंशनड है यू हैव टू रिमेंबर दिस और ये किस किस के बीच लड़ा गया था सो वे किंगडम्स ऑफ द भरता अगेंस्ट द्रूस्तु भरत सुदास और इसकी लोकेशन कहाँ पे थी रावी रिवर के पास ये बैटल लड़ा गया था जिसको पहले परोशिनी रिवर के नाम से जाना जाता है विच इज लोकेटेड इन पंजाब और फोर्टीन सेंचुरी बी सी के अराउंड ये लड़ा गया था और इसका सोर्स है हमारे पास ऋग्वेद वेद विच इज ऑल्सो कंसिडर टू बी द ओल्डेस्ट वेद तो इन टोटल वी हैव फोर वेद आउट ऑफ इज टू बी द ओल्डेस्ट वन नेक्स्ट क्वेश्चन हु डिवेलप्ड द कार्बन डेटिंग सिस्टम राइट right आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी यानी विलियार्ड लिबी तो विलियार्ड लेबी इन्होंने कार्बन डेटिंग सिस्टम को डेवलप किया था इन 1946 विलियार्ड लेबी डेवलप्ड अ मेथड ऑफ कार्बन डेटिंग का, और डेटिंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स बाय मेजरिंग देयर कंटेंट ऑफ कार्बन 14 जो एक आइसोटोप है कार्बन का अ रेडियो एक्टिव का आइसोटोप ऑफ कार्बन तो कार्बन फोर्टीन जो एक आइसोटोप है कार्बन का इसकी कॉन्टेंट के बेसिस पे Uh, जो कार्बन डेटिंग प्रोसेस थी डेटिंग सिस्टम था इसको बनाया था इसको फर्स्ट टाइम डेवलप किया था विलियर्ड लिबी ने सो यू हैव टू रिमेंबर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं द फेमस गायत्री मंत्र इज एड्रेस टू राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी सावित्री तो सावित्री को एड्रेस किया गया था ये फेमस गायत्री मंत्र सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर और ये कहाँ पर मैंशनड है ऋग्वेदा में मैंशन है गायत्री मंत्र द तो गायत्री मंत्र ऑल्सो नोन एज सावित्री मंत्र तो गायत्री मंत्र का दूसरा नाम सावित्री मंत्र भी है इस हाईली रिवर्ड मंत्रा फ्राम द रिग् वेद डेडिकेटेड टू वैदिक डेटी सावित्री तो वैदिक डेटी है सावित्री इनको ये मंत्र इनके इनको डेडिकेटेड है हम ऐसा कह सकते हैं सो द थर्ड मंडल ऑफ ऋग वेद कंटेन्स द गायत्री मंत्र विच वॉज कंपाइल इन द प्रेस ऑफ सन गॉड सावित्री इट वॉज कम्पोज बाय सेज विश्वामित्र तो उसको किसने गायत्री मंत्र इट वॉज कम्पोज बाय सेज विश्वामित्र ये आपने याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन The name of the composer of Mahabhashya is राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पतंजलि तो पतंजलि इन्होंने लिखी है ये फेमस बुक महाभाष्य और फेमस वर्क हम कह सकते हैं पतंजलि का फेमस वर्क है महाभाष्य इट वाज रिटन इट वाज रिटन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शुंग डायनेस्टी शुंग डायनेस्टीज के फाउंडर कौन थे पुष्य मित्र शुंग और इनकी डायनेस्टी के टाइम पर यह महाभाष्य को लिखा गया था इट इज़ अ इट इज़ अ कमेंट्री ऑन सेलेक्टेड रूल्स ऑफ संस्कृत ग्रामर फ्रॉम पानिनी स्ट्रिटाइज अष्टाध्यायी तो पानिनी किस ऑथर है अष्टाध्यायी और इसकी ही हम कह सकते हैं सेलेक्टेड रूल्स को जो संस्कृत ग्रामर के हैं वो सेलेक्ट किए गए थे बाय पतंजलि इन बुक महाभाष्य एज वेल एज कार्टानास वर्तिका एंड एलेबोरेशन ऑफ पानिनीज़ ग्रामर इट इज डेटेड टू सेकेंड सेंचुरी बी सी ई बात यहाँ पर पानिनी की हुई है तो पानिनी इनको फादर ऑफ संस्कृत ग्रामर के नाम से भी जाना जाता है Next question Which of the following Vedas compiled first? Right answer, Jaika, option number. ए यानी कि ऋग्वेद तो हमने अभी डिस्कस भी किया था मैंने आपको एज एन इम्पोर्टेंट फैक्ट बताया था दैट ट्रिग वेद इज कंसिडर टू द ओल्डेस्ट वेद और द फर्स्ट वेद टू बी कंपाइल्ड सो द ऋग वेद इज अ कलेक्शन ऑफ वेदिक संस्कृत हिम्स काउंटेड अमंग द फोर हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट नोन एज वेदास तो so, चार वेद होते हैं फर्स्ट वेद है ऋग्वेद दैन साम वेद दैन एंड देन अथर्व द ऋगवेद वॉज लाइकली कंपोज बिटवीन रफली सेवनटीन टू इलेवन हंड्रेड मेकिंग इट वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑफ एनी इंडो इरानियन लैंग्वेज वन ऑफ द वर्ल्ड रिलीजियस वन ऑफ़ द ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट है हमारा रिग्वेद तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हु वॉज द फाउंडर ऑफ द मोरियन एम्पायर राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी चंद्रगुप्त मौर्य इन्होंने फाउंड किया था मौर्यन एम्पायर को सो द मौर्यन एम्पायर फर्स्ट लीडर चंद्रगुप्त मौर्य स्टार्टेड कंसोलिडेटिंग लैंड एज एलेक्जेंडर द ग्रेट ग्रेट पावर व बिगेन टू वेन एलेगजेंडर की डेथ कहाँ पे हुई थी थ्री हंड्रेड ट्वेंटी में बेबी लेन मिन की डेथ हुई थी और उसके बाद से ही जो मॉरन एम्पायर है इसने फ्लरिश करना स्टार्ट किया Next question The mostly coins of Satvana's time were made up of which metal? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए लेड तो सातवनास के टाइम के जो कॉइन्स थे वो बेसिकली लेड के बने हुए थे लेड का सिंबल होता है पी और अगर हम बात करें सातवना डायनेस्टी की तो सातवना डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे सो so, द फाउंडर ऑफ सात सातवना डायनेस्टी वॉज श्रीमुख और जो ये डायनेस्टी है इसने बेसिकली साउथ इंडिया में फ्लरिश किया यू हैव टू रिमेंबर दिस ऑल्सो सो द कॉइंस ऑफ सातवनाज वर एक्सकेटेड फ्रॉम डेक्कन वेस्टर्न इंडिया विदर्भा वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट से मिली है ये कॉइंस देवर मेडअप ऑफ लेड पोर्ट एंसिल्वर एंड कॉपर और जो मोस्ट ऑफ द काइंस हैं वो लेट के बने हुए हैं और इनके डिफरेंट शेप हैं जैसे राउंड हैं कुछ कॉइन्स कुछ स्क्वायर शेप्ड हैं और कुछ रेक्टेंगुलर शेप्ड हैं इसके अलावा अगर हम बात करें सातवनास की तो सातवनास ऐसे पहले इंडियन किंग्स थे जिन्होंने अपने कॉइन्स में रूलर्स की जो पोर्ट्रेट थी उसको इंस्क्राइब किया था आपने ये भी याद रखना है और ऐसे कौन से फर्स्ट रूलर थे जिन्होंने ऐसा स्टार्ट किया था सो गौतमी पुत्र सतकर्णी वॉज द नेम ऑफ द रूलर ये भी आपने याद रखना है सो नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास डील्स विद मैजिक स्पेल्स एंड विच क्राफ्ट राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी अथर्ववेद तो अभी हमने जो फोर वेद डिस्कस किए थे उसमें से जो अथर्ववेद है ये विच क्राफ्ट और मैजिक स्पेल से डील करता है द अथर्ववेद संहिता कंटेन्स हिम्स मैनी ऑफ विच व चार्म्स मैजिक स्पेल्स एंड इनकेशंस नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच कंट्री इज द अंकोरवाड टेम्पल लोकेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कैम्बोडिया तो कम्बोडिया में सिचुएटेड है ये अंकोरवाड टेम्पल अंकोरवाड टेम्पल वॉज बिल्ड इन ट्वेल्थ सेंचुरी बाय द किंग सूर्यवर्मन सेकेंड ने इसे बनवाया था ये भी आपने याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बाय विच नेम बर्मा वॉज नोन टू द पीपल ऑफ एंशियंट इंडिया राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज भूमि तो बर्मा जिसका करंट में नेम है म्यांमर तो इसका ओल्ड नेम था स्वर्ण भूमि ये भी आपने याद रखना है तो देखते हैं इसके बारे में ऑल्दो इट सीम्स टू कवर वास्ट रीजन साउथ ईस्ट एशिया इट इज़ जर्नरली एक्सेप्टेड दैट द नेम स्वर्णभूमि वॉज फर्स्ट यूज टू रेफर मोर स्पेसिफिकली टू लोअर बर्मा तो लोअर जो म्यांमार है उसको बेसिकली स्वर्णभूमि कहा गया था फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अनदर टर्म विच वॉज यूज बाई द एंशियट इंडियंस इज स्वर्णद्वीप यानी इसे स्वर्ण द्वीप के नाम से भी जाना जाता था जिसका मतलब होता है गोल्डन पेनंसुला या फिर गोल्डन आइलैंड और अगर हम बात करें म्यांमर की तो इसका जो स्वर्णभूमि इसका ओल्ड नेम था उसके बाद बर्मा पड़ा और फाइनली इन द एटीन नाइनटीन हंड्रेड एटी नाइन सॉरी तो नाइनटीन हंड्रेड एटी नाइन में ऑफिशियली इसका नाम म्यांमार पड़ गया था नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक्सकेवेशन ऑफ मोहन एंड हरप्पा वर वाइस्ड बाय राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सर सर जॉन जॉन मार्शल मार्शल तो जो थे इन्होंने हरप्पा और जो मोहन की खुदाई हुई थी इसका हम एक तरीके से कह सकते हैं सुपरविजन किया था सो इयर्स आफ्टर द इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइंड

राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केव पेंटिंग्स तो केव पेंटिंग्स के लिए फेमस है भीम बेटका और भीम बेटका ये कहाँ सिचुएटेड है मध्य प्रदेश में ये सिचुएटेड है सो so, भीम बेटका रॉक शेल्टर्स वर इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन द ईयर टू थाउजेंड थ्री दे आर फेमस वर्ल्ड वाइड फॉर देअर केव पेंटिंग्स दैट प्रोवाइड एविडेंस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन ड्यूरिंग एट थाउजेंड बी सी तो जो ये पेंटिंग्स हैं केव पेंटिंग्स हैं ये दिखाती हैं कि जो ह्यूमन्स थे वो प्रजेंट थे ह्यूमन्स का एग्जिस्टेंस बताती हैं एट थाउजेंड बी सी के अराउंड नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज ऑथर ऑफ द बुक सी यू की राइट right आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी ह्यून सांग तो ह्यून सांग इनकी ये बुक है सी यू की तो ये आपने याद रखना है ये एक चाइनीज ट्रेवलर थे द चाइनीज पेलेग्रम ह्यून सांग विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हर्षवर्धन हु वॉज द रूलर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया ही इज़ नोन एज द प्रिंस ऑफ ट्रैवलर्स एंड इज़ द ऑथर ऑफ द बुक सी यू की तो आपसे कभी पूछा जाए हु इज़ नोन एज द प्रिंस ऑफ ट्रैवलर्स सो द करेक्ट आंसर विल बी यून सांग और इनकी बुक है सी यू की नेक्स्ट क्वेश्चन बुद्धा टुक हिस्स लास्ट मील इन द कैपिटल सिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपद राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए यानी मल्लाज तो मल्ला जो एक महाजनपद था यहाँ पर बुद्ध ने अपना लास्ट जो मील था यानी आखिरी बार भोजन किया था सो मल्लास वॉज वन ऑफ द सिक्सटीन महाजनपद तो पास्ट uh, में सिक्सटीन महाजनपद थे जिसमें से एक मल्ला था सो ऑफ द दिक्स सेंचुरी बी सी ई इट्स कैपिटल्स फॉर कुशीनारा एंड पावा तो ये दो कैपिटल्स थी मल्लास की जिसमें से इट वॉज पावा वेर बुद्धा टुक हिस्ट लास्ट मील एंड वॉज टेकन इल और इसके बाद ये बीमार हो गए थे और एंड फाइनली इनकी डेथ हो गई थी एट कुशीनारा Next question So which among the following river is most described in rigved Right answer Option number C option number A that is Sindhu.

नेक्स्ट क्वेश्चन द नेम ऑफ द बुक ऑथर्ड बाय प्लिनी इज राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी नेचुरल हिस्ट्री तो नेचुरल हिस्ट्री जो बुक है इसकी ऑथर है प्लिनी इसके अलावा अगर हम बात करें हिस्ट्रीज तो हिस्ट्रीज के ऑथर हैं हेरोडोटस जिनको कहा जाता है फादर ऑफ हिस्ट्री ये भी आपने याद रखना है सो हेरोडोटस इज नोन एज द फादर ऑफ हिस्ट्री एंड हिस्ट्रीज़ इनकी एक काफ़ी फेमस बुक है नेक्स्ट क्वेश्चन हु वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हरिसेन वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त समुद्रगुप्त जिनको नेपोलियन ऑफ इंडिया या फिर इंडियन नेपोलियन कहा जाता है हरिसेन वॉज इज कोर्ट पोएट हु रोड अलाहाबाद प्रशस्ति इन्होंने लिखी थी एंड गेव अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ हिस नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ल्ड फर्स्ट ऑयल फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज Right राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अफ़ग़ानिस्तान तो अफ़ग़ानिस्तान से विश्व की सबसे ओल्ड पेंटिंग्स ओल्ड ऑयल पेंटिंग्स मिली हैं सो वर्ल्ड फर्स्ट ऑयल पेंटिंग्स व फाउंड इन बामियान केव्स ऑफ अफ़गानिस्तान तो बामियान केव्स इनका नाम आपने याद रखना है बामियान केव्स ऑफ अफ़गानिस्तान से वर्ल्ड की फर्स्ट ऑयल पेंटिंग्स मिली हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वन डेट द सेल्यूसिट मॉरियन वॉर वॉज वॉट राइट right आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 305 एंड 303 हंड्रेड थ्री बी सी ई के अराउंड जो सेल्यूसिड मॉरियन वॉर है ये लड़ी गई थी अगर हम बात करें ये किस किस के बीच लड़ी गई थी सो इट वॉज फॉट बिटवीन चंद्रगुप्त मौर्य एंड सेलिकस निकेटर और इसका जो रिजल्ट था वो था कि जो मौर्न एम्पायर था वो जीता था यानी चंद्रगुप्त मौर्य ही वॉज द विनर सो so, इसकी लोकेशन थी नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया इंडस वैली जो रिवर थी इसके पास और ये कौन से ईयर में लड़ी गई थी 305 से 303 हंड्रेड के बीच में ये वॉर मॉरियन वॉर लड़ी गई थी यू हैव टू रिमेंबर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन विच बुद्धस्ट काउंसिल वॉज हेल्थ ड्यूरिंग द रीन ऑफ कनिष्क राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन डी यानी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी कनिष्क के रीन में सो द फोर्थ बुद्धिस्ट हेल्ड एट कुंडलवाना कश्मीर इन सेवनटी टू ए डी अंडर द पेट्रोनेज ऑफ कुशान किंग कनिष्क तो कनिष्क ये किंग थे और सेवनटी टू ए डी में ये फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी ये आपने याद रखना है कश्मीर में एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल वॉज वाशु विद अश्वघोष एज एस डेप्यूटी दिस काउंसिल डिस्टिंक्टली डिवाइडेड द बुद्धिस्म इंटू टू से क्ट्स महायान एंड तो आपको पता है कि जो है उसके टू सेक्ट्स से हैं महायान और हीनयान और जो फोर्थ बुद्धिस्ट थी इसमें ये डिवीजन हुआ था इसलिए ये काउंसिल इंपॉर्टेंट बनती है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सोस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन द इंडस वैली पीपल ट्रेडेड विद द राइट right आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी मेसोपोटामियंस तो मेसोपोटामियंस के साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो ट्रेडर्स थे उनके ट्रेड रिलेशनशिप्स थे सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर द हरपन पीपल यूज्ड टू ट्रेड विद फॉरेन लैंड्स ट्रैवलिंग थ्रू सीज तो द सी पोर्ट्स बाउंड इन हरपन सिविलाइजेशन स्टेट दैट दे वर नॉट ओनली बाउंड टू देयर ओन टेरिटरीज तो इंडिया के अलावा भी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो ट्रेड करते थे फॉर एग्जांपल हमें गुजरात में एक पोर्ट टाउन मिला था जिसका नाम था लोथल जो दिखाता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो सी ट्रेड भी करते थे सो दे हैड ट्रेडेड विद द ईरान अफगानिस्तान फॉर मिनरल्स वाई लेड एंड कॉपर वर एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया नेक्स्ट क्वेश्चन अमंग द द फॉलोइंग रूलर्स इज ऑफन एज फर्स्ट एम्पायर बिल्डर ऑफ इंडियन हिस्ट्री राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महापद्मानंद तो महापद्मानंद इनको डिस्क्राइब किया जाता है एज द फर्स्ट एम्पायर बिल्डर ऑफ इंडियन हिस्ट्री महापद्मानंद इज कॉल्ड एज द फर्स्ट हिस्टोरिकल एम्पायर ऑफ इंडिया महापद्म एक्सपेंडेड एज एम्पायर टू इंक्लूड अ लार्जर पार्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया में इन्होंने रूल किया द नंदाज वर द फर्स्ट नॉन क्षत्रिय रूलर्स इन इंडिया इसके अलावा जो नंदाज थे यानी महापद्मानंद ही बिलोंग टू नंदा डायनेस्टी और ये फर्स्ट नॉन क्षत्रिय रूलर थे इंडिया के ये भी आपने याद रखना है सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फाई यान केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन डी यानी चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पर फाहियान इन्होंने इंडिया विजिट किया था सो आई थिंक वी हैव डिस्कस दिस क्वेश्चन सो वी विल इंक्लूड वन मोर एक्स्ट्रा क्वेश्चन बाय द एंड ऑफ द वीडियो सो

राइट right आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी पक्का ब्रिक्स तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो अपने घर मेनली पक्का ब्रिक्स यानी बर्ंड ब्रिक्स से बनाते थे बेसिकली हम ऐसा कह सकते हैं सो द हाउसेज वर बिल्ड फ्रॉम बर्ंड ब्रिक्स द यूनिफॉर्म मेजरमेंट्स ऑफ दिस ब्रिक्स फाउंड इन दिस कल्चर इन मैनी सिटीज़ आर रिमार्केबल तो जो टाउन प्लानिंग थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की दैट वॉज क्वाइट बेटर एंड उसकी जो टाउन प्लानिंग है उसको करंट में भी प्रेस किया जाता है फॉलोइंग फ्राम विच प्लेस द रोम हैव बीन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अरिका मेडू तो अरिका मेडू, यानी कि तमिलनाडु से जो रोमन काइंस हैं ये मिले हैं सो एंशियंट रोमन इन द कोस्टल टाउन ऑफ अरिका मेडू तमिलनाडु आर्कियोलॉजिस्ट है रोमन कॉइन एंड फाइव रोमन कॉइंस दैट व यूज अराउंड सेवनटीन हंड्रेड ईयर्स अगो अलॉन्ग विद सम आरटीफेक्ट पॉइंटिंग टू द एविडेंस ऑफ ट्रेड कंडक्टेड बाई द रोम इन द रीजन तो ऐसा माना जाता है बिकॉज ऑफ दिज कॉइंस आर द एविडेंस ऑफ द फैक्ट दैट जो हमारा कोस्टल इंडिया था कोस्टल जो टाउन्स थे हमारे वो रोमन्स के साथ ट्रेड करते थे सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो द बैटल ऑफ टेन किंगस ऑफ रिग वेद था वो कौन से रिवर के बैंक पे लड़ा गया था राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी परूशिनी रिवर के बैंक पे लड़ा गया था नेक्स्ट क्वेश्चन द हरपन सिविलाईजेशन फर्स्ट डिस्कवर्ड इन द राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1921 में हरपन सिविलाइजेशन को डिस्कवर किया गया था द हरपन सिविलाइजेशन वाज आइडेंटिफाइड इन 1921 एट हरप्पा इन द पंजाब रीजन एंड देन इन 1922 एट मोहनजोदारो uh, जिसको माउंट ऑफ डेड के नाम से भी जाना जाता है नियर द इंडस रिवर इन द सिंध रीजन बोथ साइड्स व आर इन प्रेजेंट पाकिस्तान इन पंजाब एंड सिंध प्रोविंसेस रिस्पेक्टिवली नेक्स्ट क्वेश्चन अमंग द फॉलोइंग हु इशूड द प्योरेस्ट गोल्ड कॉइंस इन इंडिया इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कुशांस तो कुशानस वर द रूलर्स जिन्होंने प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉइंस को इंट्रोड्यूस किया था कुशाण डायनेस्टी इज नोन फॉर इट्स प्योरेस्ट गोल्ड कॉइंस कुशानस वर इंडो ग्रीक रूल्ड इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया में इन्होंने रूल किया द कुशाण डायनेस्टी केम अप विद द रिवोल्यूशन इन द कॉइनेज ऑफ द कंट्री कॉइंस ऑफ कुशांस गॉड द प्लेस अमंग द रेयर कॉइंस इन द वर्ल्ड और इनके प्योरेस्ट फॉर्म के गोल्ड कॉइंस थे नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कल्चर्स इज द अदर नेम ऑफ सोहन कल्चर राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी पैलोलिथिक कल्चर को सोहन कल्चर के नाम से भी जाना जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन द मेजोरिटी ऑफ अर्ली स्टोन एज टूल्स इन इंडिया वर मेड अप ऑफ राइट right आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए क्वार्टजाइट तो इंडिया में जो पाए गए मेजर अर्ली एज के जो टूल्स थे ये क्वार्टजाइट के बने थे द मेन टूल्स टाइप्स ऑफ दिस एरा व हैंड एक्सेस एंड क्लीवर्स अलोंग विद द चॉपर चॉपिंग टूल्स दिज व मेड अप ऑफ कोर्स एज वेल एज फ्लेक्स द रॉ मटेरियल्स यूज फॉर मेकिंग द स्टोन टूल्स व लार्जली ऑफ डिफरेंट काइंड इंक्लूडिंग क्वारजाइट चर्ट एंड टाइम्स इवन क्वार बसाल्ट तो इनके बने थे हमारे ओल्ड एज के स्टोन टूल्स नेक्स्ट क्वेश्चन द मुस्लिम स्कॉलर हु अंपनीड महमूद ऑफ गजनी ड्यूरिंग द इंडियन एक्सपीडिशन वॉज राइट right आंसर हो जाएगा अलबेनी ऑप्शन ए तो बिरोनी ये एक मुस्लिम स्कॉलर थे जिन्होंने महमूद ऑफ़ गजनी को अकम्पनी किया था जब वो इंडिया आ रहे थे सो इन वन थाउजेंड सेवनटीन महमूद ऑफ़ गजनी टुक अरे मोस्ट स्कॉलर्स इंक्लूडिंग अलबिरोनी व टेकन टू गजनी द कैपिटल ऑफ गजना विद डाइनेस्टी अलबेनी वॉज मेड कोर्ट एस्ट्रोलॉजर एंड अ कंपनी ऑन हिस्स इन्विजन टू इंडिया लिविंग देयर फॉर अ फ्यू ईयर्स तो महमूद ऑफ गजनी के साथ आए थे अलबिरनी हु वॉज अ मुस्लिम एस्ट्रोलॉजर एज वेल एज अ मुस्लिम स्कॉलर हम इन्हें कह सकते हैं सो so, अलबिरनी आए थे इंडिया यू हैव टू रिमेंबर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अमंग द फॉलोइंगू इज़ नोन एज द फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी इन इंडिया राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी रॉबर्ट ब्र्यूस इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्क्योलॉजी इन इंडिया रॉबर्ट ब्र्यूस फूड वॉज अ ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट एंड आर्क्योलॉजिस्ट हु कंडक्टेड जियोलॉजिकल सर्वेज ऑफ प्री हिस्टोरिक लोकेशन इन इंडिया फॉर द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फॉर इज कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन आर्क्योलॉजी ही इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन हु वॉज द फाउंडर ऑफ शुंग डायनेस्टी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पुष्यमित्र शुंग वॉज द फाउंडर ऑफ शुंग डायनेस्टी पुष्यमित्र शुंग लेट द फाउंडेशन ऑफ शुंग डायनेस्टी बाय असेसिनेटिंग प्रध मौर्य द लास्ट रूलर ऑफ द मौर्य डायनेस्टी तो इनको असेसिनेट किया था पुष्यमित्र शुंग ने एंड ही डेट द फाउंडेशन ऑफ द शुंग डाइनेस्टी वॉज कमांडर इन चीफ इन द आर्मी ऑफ मॉरिन एम्ब्र इनके सक्सेसर कौन थे अग्निमित्र शुंग वॉज द सक्सेसर ऑफ पुष्यमित्र शुंग नेक्स्ट क्वेश्चन वेन डेट द बैटल ऑफ हाइडर स्पेस टेक प्लेस राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 326 में बैटल ऑफ हाइडस्पेस लड़ा गया था सो so, पार्टीज किस किस के बीच में लड़ा गया था अलेक्जेंडर और पुरु के बीच में ग्रीक विक्ट्री वॉज द रिजल्ट ऑफ द वॉर और लोकेशन इसकी थी बैंक ऑफ द झेलम जिसको हाइडस्पेस के नाम से भी जाना जाता है एंड इट इज लोकेटेड इन द पंजाब ऑफ पाकिस्तान थ्री हंड्रेड में ये बैटल लड़ा गया था सो नेक्स्ट क्वेश्चन हु ऑथर्ड थर्ड अष्टाध्यायी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पानिनी पानिनी ऑफ संस्कृत ग्रामर इन्होंने अष्टाध्यायी को लिखा था अष्टाध्यायी संस्कृत में लिखी गई है जिसका मतलब होता है एट चैप्टर्स संस्कृत ट्रिटाइज ऑन ग्रामर रिटर्न इन फिफ्थ टू फिफ्थ सेंचुरी बी सी बाय द इंडियन ग्रामरियन पानिनी नेक्स्ट क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग A foreign traveler came to India during the reign of Chandragupta II. Right answer So, option number B. Any yani Fayan visited India when Chandragupta II was the ruler of India. So, Fa the first Chinese Buddhist traveler and monk, came to India during the reign of Chandragupta II Vikram Aditya. सो हेयर कम्स द होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू और आपका होमवर्क क्वेश्चन है भीम बेट का इज फेमस फॉर इसका आंसर आपको कॉमेंट सेक्शन में बताना है सो वे दस बी कम्प्लीटेड आर दिस वीडियो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इन ऑर्डर टू सपोर्ट अर्स एंड आई विश ऑल द बेस्ट फॉर यर कमिंग एग्जामिनेशन थैंक यू